गाइज वेलकम बैक टू द माय चैनल। बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप लोग क्या सोचते हो। एक्चुअली बात यह है कि मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या बताया था कि यूजीसी ने मतलब ये एक नोटिस निकाला जिसमें कि ये बताया कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि होते हैं बीटेक बीए ये सब करा रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि AKU इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, AKU अगर उसके रूल को फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल आपको प्रमोट करेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि एक जो UGCI है वो पूरा इंडिया के लिए होता है, जो कि दिल्ली में उसका सेंट्रलाइजेशन है और वो पूरा यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है। और जो AKU है वो आपका बिहार का है, जो कि पूरे बिहार में ही कंट्रोल कर सकता है, तो वो उसी के अंतर्गत आता है UGCI के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर हो गया आपका। तो अब AKU का अगर कोई आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो बोर्ड से बोला है कि मैं अभी अपने स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसके अनुसार उसके फर्दर सोल्यूशन देखे जाएंगे। लेकिन UGCI का कहना है कि सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि अभी केसेस कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं और लड़कों की पढ़ाई भी उतना इफेक्टिव नहीं चल पा रही है, तो इस वजह से उनको प्रमोट करने के लिए बोला गया था। बट इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो बहुत सारे लोग थे वही कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये न्यूज़ सही है या ये न्यूज़ फेक भी तो हो सकता है, ये पहले का भी तो न्यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा कि ये न्यूज़ फेक है या रियल है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो का अंत तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि ये न्यूज़ कैसे सत्य है या फेक्ट है। तो सबसे पहले इसकी जाँच करने के लिए मैंने गया है गूगल पे, और गूगल पे आपको आज का जो पेपर आता है उस पेपर को वहाँ पर फाइंड आउट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि जो अखबार है वो किस डेट की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी कर दिया हूँ इसको थोड़ा सा जूम, और आप देख पा रहे हो कि 11 मई 2021 का ये पटना का दैनिक जागरण का न्यूज़ है। तो अब मैं इसको स्लाइड करके ले चलता हूँ जहाँ पे ये चीज़ मेंशन करके रखा गया है कि अंतिम वर्ष को छोड़ जो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो क्या किए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा जहाँ पे मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप यदि अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से प्रस्तुत कर देता रहा हूँ, चूँकि आप पढ़ सके। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। आई होप कि आप इस चीज़ को पॉज करके पढ़ रहे भी रहे होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल इसको पढ़ लेना। मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया वो आपको कंफर्म लगा होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट आती होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करना, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से या आपको कमेंट के माध्यम से आपको जो भी आपके डाउट होंगे वो चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप सबको साथ साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर भी जरूर कर देना। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।